तो हेलो एवरीवन, आज हम अपने पीपीएस का यूनिट 2 का वन शॉट पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है वो होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर हैव ऑलवेज वर्क विथिन ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, यानी कि जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा क्या करता है, कोई काम को परफॉर्म करता है ऑपरेंड के, मतलब ऑपरेंड का कोई काम होगा जो कि ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। ऑपरेटर जैसे क्या है, जैसे ये प्लस लगा हुआ है ना, ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, ये ए और बी क्या है, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल्स हैं। प्लस क्या है, ऑपरेटर है जो इन दोनों का प्लस कर रहा है। ऐसे एंड ऑपरेटर है, मतलब क्या है कि ऑपरेटर हमारा हमेशा कोई काम को परफॉर्म करेगा, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड परसेंटेज, ये सब चीजें हमारी क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर जो हमारा होता है वो मेनली तीन टाइप का होता है। पहला है यूनरी, दूसरा है बाइनरी और तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद जो हमारा यूनरी ऑपरेटर है वो फर्दर डिवाइड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, बिट वाइज ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट एंड साइज ऑफ ऑपरेटर में। तो जो हमारा ऑपरेटर है वो मेनली तीन टाइप्स का होता है। उसके बाद हम फिर यूनरी ऑपरेटर को हम फर्दर पांच टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसके आगे अब हम देखते हैं। तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, ये भी तीन टाइप में डिवाइड होता है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर और तीसरा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है ये भी तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। अब हम एक एक करके सभी ऑपरेटर्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा उसमें आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पांच टाइप्स के सिंबल यूज होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड एंड मॉडुलस। ये इनके सिंबल्स हैं और यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल है, जैसे क्या है, इसका नाम क्या है, प्लस। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। और इसका काम क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। जैसे ए और बी, अगर ए 5 है और बी 2 है तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा। दूसरा है हमारा माइनस यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ये क्या करेगा, ये दो नंबर के बीच में या दो ऑपरेंड के बीच में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेगा। इसके बाद है इंटू। इनटू को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। मल्टीप्लाई ऑपरेटर क्या करता है, ये दो ऑपरेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर देता है। फिर चौथा है हमारा डिवाइड। डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है, ये दो नंबर्स या फिर हम कहें दो ऑपरेंड्स को डिवाइड करता है, पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करता है और उसका आंसर देता है। फिर लास्ट में है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, इसको हम परसेंटेज ऑपरेटर भी कहते हैं और ये हमारा क्या करता है, मॉडुलस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मॉडुलस मतलब क्या होता है, जैसे 5 डिवाइड बाई 2, तो अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, यही हमारा आंसर है। मतलब 5 मॉडुलस 2 अगर निकालें तो वो आएगा 1। ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉडुलो ऑपरेटर का काम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नॉट। तो अब हम इनका आगे देखते हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड को किससे लिखा जाता है, डबल एंड से। डबल एंड का अगर हम सिंबल लगाएंगे तो उसको बोलता है लॉजिकल एंड। फिर देखो, एक मान लो कि हमारा दो तरह का डाटा दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट 1 दिया है, दूसरा एक्सपेरिमेंट 2 दिया है। तो इनका जो रिजल्ट होगा उनके बीच में क्या है, ये ऑपरेटर का लगा हुआ है, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो देखो, 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 मतलब क्या होता है, ट्रू। तो एंड में ट्रू कब रहेगा, जब हमारे दोनों इनपुट, ठीक है, दोनों इनपुट अगर हमारे ट्रू हैं। ट्रू है मतलब क्या है, अगर 1 है तो फिर एंड हमारा क्या देगा, ट्रू देगा, मतलब कि क्या देगा, 1 देगा। अगर उसमें से कोई एक भी अगर 0 है, मतलब फाल्स है, तो आंसर हमारा फाल्स ही आएगा। देखो, 0 0 को आप यफ भी समझ सकते हैं, मतलब फाल्स। तो 0 और 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 और 1 है तो 0 और 1 है, एक ट्रू है दूसरा फाल्स है, तो 0 आएगा। एक ट्रू है दूसरा फाल्स है, तो फिर फाल्स यानी 0 आएगा। और दोनों का ट्रू है तो ये क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। मतलब हम इसको यहाँ पे फॉल्स नहीं है, यहाँ पे 0 और 1 में ही है, लेकिन ये बस आपको एक समझाने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑर। लॉजिकल ऑर को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ये आपके कीबोर्ड में होता है, इंटर के ऊपर ये साइन दिया होता है, इसको हम 2 बार लगाते हैं तो ये हमारा लॉजिकल ऑर बन जाता है। ऑर में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है, ठीक है, ट्रू मतलब क्या है, 1, फॉल्स मतलब क्या है, 0, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, मतलब मिनिमम 1 अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो देखो, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे 0 आया, मतलब फॉल्स। एक फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो आया ट्रू। मतलब कोई एक अगर यहाँ पे कोई एक भी अगर ट्रू है, मतलब एक है, तो हमारा आंसर 1 ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तब भी 1 आएगा। यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तब भी हमारा 1 ही आएगा। थर्ड टाइप का जो हमारा था वो था लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट का मतलब क्या है कि अगर 0 है उसके सामने नॉट लगा देंगे तो वो 1 बन जाएगा, अगर 1 है उसके सामने नॉट लगा देंगे तो वो 0 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0 का नॉट क्या,
का वन होगा और वन का नोट क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, देखो इसमें हमारे पांच तरह के सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या है, लेस देन, दूसरा क्या है ग्रेटर देन, फिर क्या है लेस देन और इक्वल टू, फिर चौथा क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर पांचवा है इक्वल टू, या फिर हम इसको कंपेरिजन ऑपरेटर कहते हैं। तो इसका एक एक करके काम देख लेते हैं। देखो ये क्या करेगा, ये क्या है लेस देन। लेस देन क्या करेगा, चेक करेगा कि कोई एक नंबर है वो दूसरे से लेस है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये रिटर्न करेगा वन या फिर ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ऐसा नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन भी क्या करता है, यही काम करता है कि अगर ए बड़ा है बी से तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फिर क्या आएगा आंसर में, फॉल्स यानी कि जीरो आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड है लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये करेगा कि अगर कोई नंबर है तो या तो वो उससे छोटा हो या तो फिर उसके बराबर हो, तब ये क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास सेम है ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में हमारे पास आता है कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि दो नंबर हमारे इक्वल हैं या नहीं है। जैसे हमने एक नंबर लिख दिया ए और इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये बी के बराबर है कि नहीं, तो अगर ये बराबर होगा तो हमारे पास ट्रू आएगा, नहीं तो हमारे पास फॉल्स आएगा, मतलब या तो यहाँ पे एक आएगा या तो यहाँ पे जीरो आएगा। जैसे ए बराबर मान लो 12 है और बी बराबर मान लो 13 है, तो इन दोनों को अगर हम चेक करेंगे डबल इक्वल से तो हमारे पास आएगा जीरो, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर बी भी हमारा 12 होता तो यहाँ पे आता है आंसर ए, मतलब ये दोनों हमारे बराबर। नेक्स्ट हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या काम करता है, ये हमेशा बिट्स पे काम करता है। देखो जो कोई भी डाटा स्टोर होता है वो बिट में स्टोर होता है। तो देखो इसका क्या मतलब है कि बिट वाइज ऑपरेटर आर सिमिलर टू लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब ये क्या है कि ये सिमिलर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के, एक्सेप्ट दे आर वर्क ऑन स्मॉलर स्केल, मतलब ये क्या करते हैं ये बहुत छोटे ही स्केल पे काम करते हैं। अब बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो भी हमारे फाइव टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, इसमें हमारा दो आएगा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। फिर हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर, बिट वाइज और ऑपरेटर, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, उसके बाद है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। तो हम इन सबको एक एक करके अब देखेंगे आगे। तो सबसे पहला इसमें से हमारा जो आता है वो है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर हमने जैसा कि बताया कि दो टाइप्स का होता है, एक है लेफ्ट शिफ्ट और दूसरा है राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को किससे डिनोट करते हैं, डबल लेस देन, ठीक है डबल लेस देन, और राइट शिफ्ट को किससे डिनोट करते हैं, डबल राइट देन। अब हम देखते हैं अपना लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम देखो क्या है कि सबसे पहले हम हेज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच लिखते हैं, उसके बाद वाइड मेन, ये तो नेसेसरी स्टेप है। उसके बाद मान लो कि ए इक्वल टू 16 हमने लिया है, इस पे हमें क्या करना है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट अप परसेंटी, क्योंकि ये इंटीजर है, और यहाँ पे ए लिया, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट का साइन लगाया और तीन, मतलब कि हमको क्या करना है इसको थ्री डिजिट या फिर थ्री बिट हमको इसको क्या करना है लेफ्ट शिफ्ट करना है। उसके बाद इसको क्या कर दिया, ग्रेसेज और कर्ली ब्रेसेज को बंद कर दिया, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का। उसके बाद इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे मान लो क्या है ए इक्वल टू है 16, तो 16 क्या है एक डेसिमल नंबर है, लेकिन कंप्यूटर हमारा किस पे काम करता है, बाइनरी पे। तो 16 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो हमारा इतना आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है वो 8 बिट्स में स्टोर होता है, तो इसलिए हम इसके आगे भी तीन एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसको जब हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया तो इसको हम शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या है कि जैसे मान लो सबसे पहले क्या था हमारा 0001000, और अब हमें इसको तीन बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे तीन है इसलिए तीन बार करना है। तो जब हम एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो इस जीरो को हटा देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ये बचा। लेकिन अब ये सात डिजिट है तो इसको आठ बनाने के लिए इसके पीछे एक जीरो बढ़ा देंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट। फिर हम सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम इस जीरो को हटा देंगे और फिर हमारा क्या बचेगा 01, और यहाँ पे पांच जीरो बचेगा। उसके बाद फिर ये हमारा सात ही है तो यहाँ पे आठ बना देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे आठ डिजिट लिया था। उसके बाद जब हम थर्ड शिफ्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो को हटा देंगे और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे एक और जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और इसको आठ बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जो ए था उसका हमने तीन बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 128। उसके बाद अब हम समझते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर को। तो देखो राइट शिफ्ट ऑपरेटर का हम प्रोग्राम सबसे पहले देखते हैं क्या है कि इसको प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करके इसका आंसर कैसे देखेंगे, उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो सबसे पहले अपने नेसेसरी स्टेप्स लिख दिए, उसके बाद क्या किया ए इक्वल टू लिया और राइट शिफ्ट का आप ये लगाया सिंबल और यहाँ पे तीन बार इसको हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद गेट सी एच और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर
अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसे हमारा एक वैल्यू 16, 16 को हमने कैसे लिखा ये हम पिछले से ही जानते हैं, ठीक है। ये हमने बाइनरी बना लिया, अब इसको राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट मतलब क्या होता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इसको लेफ्ट के वैल्यूज को हटा रहे हैं, अब राइट के वैल्यूज को हटाएंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 4 है तो इसको हटा देंगे और यहाँ से इसको पूरा लिख देंगे। तो इसको पूरा लिख दिए, उसके बाद 3 0 था, 3 0 लिख दिए, लेकिन अब हमें यहाँ पे 8 चाहिए तो एक और यहाँ पे 0 लगा दिए। उसके बाद फिर से हमको शिफ्ट करना है, क्योंकि 3 बार करना था, तो फिर से यहाँ राइट साइड से, राइट शिफ्ट है तो राइट साइड से जो डिजिट रहेगा उसको हटा देंगे और उसका पूरा 8 पूरा करने के लिए फिर से यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे। तीसरी बार करेंगे तो फिर से एक 0 हटा देंगे और उसके बाद फिर हमारा ये हो जाएगा कम्प्लीट और ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले एंड का सिंबल क्या होता है, ये होता है। और अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले अपना हैज इंक्लूड स्टूडियो और कोन्यू लिख देंगे, उसके बाद वाइड मेन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, उसके बाद क्या है एंड। एंड क्या होगा, एंड तो हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में परफॉर्म होगा। तो हमने दो ऑपरेंड ले लिए, उनका कुछ वैल्यू ले लिया। आप चाहें तो उसको यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, स्कैन ऑफ फंक्शन से। ये सब हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, आप चाहें तो यूनिट 1 की वीडियो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे 1% ही और लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पे दो इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया एक इंटीजर और यहाँ पे ए एंड बी हमने प्रिंट करवाया, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट 2 आया है, लेकिन ये किस प्रकार से आया है इसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहला वैल्यू क्या था हमारा, ए क्या था हमारा 6 था। तो अगर हम 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 110। दूसरा था हमारा बी, बी क्या था 2 था। 2 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 010। अब जो तरीका मैंने आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर में पढ़ाया था सेम वहां यहाँ भी रहेगा कि अगर 0 0 है, दोनों 0 है तो 0 रहेगा, अगर एक भी कोई 0 है तब भी 0 रहेगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी फॉल्स होता है, लेकिन जब दोनों ही ट्रू रहेंगे, ट्रू मतलब जब दोनों एक रहेंगे एंड ऑपरेटर में, तभी वो हमारा ट्रू आएगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू रहते हैं, जब दोनों ट्रू रहते हैं तभी ट्रू आता है, नहीं तो क्या आता है फॉल्स आता है। तो यहाँ पे देखो जब दोनों ट्रू है तब ट्रू आया है, अगर कोई एक भी फॉल्स है तो हमारे यहाँ पे फॉल्स आया है। और इसको फिर हमने डेसिबल में कन्वर्ट किया तो हमारे यहाँ पे 2 आंसर आ गया। इसके बाद फिर से हमारा दिया हुआ है बिट वाइज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम किससे यूज करते हैं, इससे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ये सिंबल एक लाइन होती है, इसमें बीच में कोई डिवाइड नहीं होता है, सीधी एक लाइन होती है आपके इंटर के ऊपर दी हुई। सबसे पहले अपने नेसेसरी स्टेप्स लिखे, उसके बाद क्या किया हमारा ये भी क्या होता है दो ऑपरेंड के बीच में चलता है, इसलिए हमने दो ऑपरेंड ए और बी ले लिया और उसके बीच और ऑपरेटर लगा के इसको प्रिंट करवा दिया। तो अब ए हमारा क्या था, ए हमारा था 6, तो 6 को अगर हम बाइनरी में करेंगे तो आएगा 110। और दूसरा था बी, बी हमारा था 2, 2 को अगर बाइनरी में करेंगे तो 010 आएगा। अब इनके बीच हमें क्या लगाना है, बिट वाइज और लगाना है। तो और में क्या होता है कि अगर कोई एक भी ट्रू है तो हमारा ट्रू आता है, लेकिन ठीक है अगर कोई एक ट्रू है तो हमारा ट्रू भी आ जाता है। और फाल्स आने में इसमें क्या होता है, जब दोनों फाल्स रहेंगे तभी फाल्स आएंगे, नहीं तो ट्रू आ जाए। तो ये दोनों फाल्स हैं यानी 0 हैं तो 0 आएगा, एक एक अगर एक भी कोई ट्रू है तो ट्रू आएगा, इसमें भी क्या आएगा ट्रू मतलब कि एक। ये चीज आप ध्यान रखें कि ट्रू मतलब एक और फाल्स मतलब 0। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, इसका मतलब कितना है 6। तो हमारे डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया तो 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। ये आपके जो 6 अगर आपके कंप्यूटर में देखेंगे या लैपटॉप में तो 6 के ऊपर लिखा होता है ये, तो यही हमारा होता है एक्सक्लूसिव और का सिंबल। ये क्या करता है, इसका रूल क्या है, या तो इसका रूल ये है कि अगर दोनों हमारे सेम है, अगर मान लो ये भी 0 है ये भी 0 है तो 0 आएगा, या दोनों अगर एक भी हैं तब भी हमारा 0 आएगा, मतलब अगर दोनों सेम हैं तो 0 आएगा, ठीक है। और अगर दोनों सेम नहीं है यानी अलग अलग हैं तो हमारा 1 आएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये भी 0 है ये भी 0 है तो 0 आया, ये 0 है ये 1 है मतलब अलग अलग है तो 1 आया, ये 1 है ये 0 है मतलब अलग अलग है तो 1 आया, दोनों सेम है तो हमारा 0 आया। फिर इसका प्रोग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं और खुद से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। तो नॉट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो अब हम इसका प्रोग्राम को समझते हैं। तो प्रोग्राम में देखो जो हमने नेसेसरी स्टेप्स हैं, जैसे हैज इंक्लूड स्टूडियो कोनियो वाइड मेन, इसको लिखा कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, एक इंटीजर ले लिया और उसका हम नॉट निकाला। इंटीजर हमारा क्या है, तो हमारा ये है इंटीजर इक्वल टू 6। तो 6 को सबसे पहले हमने क्या किया बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या किया इसका नॉट लिया। नॉट मतलब क्या है, जो 0 है उसको 1 करते हैं और जो 1 है उसको 0 करते हैं। तो इससे हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। इससे हमारे 2 आंसर आ सकते हैं, एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन क्या होता है, सो देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो साइन होता है वो डबल प्लस होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो साइन होता है वो डबल माइनस होता है। सो अब देखो क्या लिखा है कि द
वैल्यू हैव इंक्रीज्ड बाय वन, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी ऑपरेटर की वैल्यू को क्या करता है, बाय वन इंक्रीज कर देता है। मतलब अगर पहले 5 था उस पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे तो वो हमारा 6 बन जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट हैज टू टाइप्स, इंक्रीमेंट जो होता है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या मतलब क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट मतलब होता है कि सबसे पहले वो वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, उसके बाद उस ऑपरेंड को वो यूज करता है। मतलब पहले इंक्रीमेंट देनी। पोस्ट मतलब क्या होता है कि सबसे पहले वो यूज करता है, उसके बाद वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। मतलब मान लो कहीं पे अगर हमें एक है इक्वल टू 5 है, अगर कहीं पे इसका काम है तो हम सबसे पहले अगर इसमें हम डबल प्लस ए लिखते हैं, मतलब कि प्री इंक्रीमेंट, सबसे पहले ये ए को 6 बना देगा, उसके बाद इसको यूज करेगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है तो सबसे पहले ये यूज कर लेगा, उसके बाद ए को 6 बनाएगा। ये होता दोनों में डिफरेंस। इसका आप यहाँ पे प्रोग्राम भी देख सकते हैं, इस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर में अच्छे से करेंगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पे हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट का साइन क्या होता है, डबल माइनस। तो ये क्या करता है कि वैल्यू को बाई वन डिक्रीज कर देता है। मतलब अगर ए इक्वल टू 5 था और हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दें तो ये ए को 4 बना देगा, मतलब 5 में से घटा के 4 बना। और ये भी दो तरह का होता है, एक होता है प्री डिक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में क्या करते हैं, सामने माइनस डबल माइनस लगाते हैं, पोस्ट में क्या करते हैं बाद में लगाते हैं। और सेम इसका भी मतलब है, क्या है कि प्री मतलब क्या होता है, अगर हम प्री इंक्रीमेंट करें तो सबसे पहले 5 को घटा के 4 कर देगा, उसके बाद ये यूज करेगा। लेकिन यहीं पे अगर हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट होता तो सबसे पहले ये 5 को यूज कर लेता, उसके बाद उसकी वैल्यू को घटा करके 4 करता। जो नेक्स्ट टाइप का हमारा ऑपरेटर है वो है कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो उसका सिंटेक्स सबसे पहले देखो कि सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे मान लो कोई कंडीशन लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये वाला काम होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ये वाला। फिर से समझते हैं एक बार, क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिखा हुआ है, तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका आंसर ट्रू है, तो हमारा ये वाला काम होगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन 2 है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा ये फॉल्स हो गया तो हमारा एक्सप्रेशन 3 वाला एग्जीक्यूट होगा। जैसे इसको हम प्रोग्राम में समझते हैं तो देखो, सबसे पहले हमने हेज इंक्लूड स्टूडियो, हेज इंक्लूड कोनियो, वाइड में लिख, फिर क्या किया हमने दो वेरिएबल बनाए ए और बी, ए की वैल्यू को हमने 4 दे दिया। उसके बाद क्या है कि हम बी इक्वल टू कर रहे हैं, क्या है बी इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेरिजन ऑपरेटर होता है। तो अगर ए बराबर है 3 के तो हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन अगर a बराबर 3 के नहीं है तो b बराबर हमारा 30 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे ये ट्रू देगा तो हमारा 20 वैल्यू हो जाएगा, अगर ये फॉल्स देगा तो हमारा 30 हो जाएगा। तो a हमारा कितना है, 4 है, तो 4 बराबर है 3 के नहीं है, मतलब क्या है फॉल्स हो गया। तो अगर फॉल्स हो गया तो हमारा b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर अगर हम b को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 30 आएगा। नेक्स्ट हम अपने टर्नरी ऑपरेटर से एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी, फाइंड अ फिगर वैल्यू बिटवीन टू नंबर, ठीक है। सो अब इसके प्रोग्राम को समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्या कर दिया, देखो क्या है कि a और b हमारा क्या होगा, दो कोई वेरिएबल होंगे, इसको हमें चेक करना है कौन सा बड़ा है। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो ग्रेटर देन लगाएंगे, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा, हमारा ए आ जाएगा आंसर, नहीं तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। तो इसी चीज को सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो भी आंसर होगा वो सी में जाकर के हमारा स्टोर हो जाएगा, और फिर हमने सी को प्रिंट करवा लिया। और ए और बी की वैल्यू के लिए हम यूजर से क्या कर रहे हैं, इसका इनपुट ले रहे हैं। इनपुट लेना आपने यूनिट में पढ़ाई है, उसके बाद जो भी हमारा बड़ा होगा वो आउटपुट में शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग मीन्स वन डाटा टाइप चेंज इनटू अनदर डाटा टाइप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाटा टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई एक डाटा टाइप होता है, एक डाटा टाइप क्या है, जैसे कि कोई मान लो इंटीजर है, इसको हम चेंज कर रहे हैं अनदर डाटा टाइप। अनदर डाटा टाइप मतलब क्या है, मतलब दूसरे डाटा टाइप, जैसे कि मान लो फ्लोट, या फिर फ्लोट को इंटीजर में चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा टाइप कास्टिंग कहते हैं। मतलब वन डाटा टाइप इज चेंज इनटू अनदर डाटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अब सी में हमारे जो टाइप कास्टिंग होता है वो दो टाइप का होता है, पहला है इम्प्लिसिट और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या फिर टाइप कास्टिंग, सेम बात है। सो इम्प्लिसिट सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, व्हेन वन डाटा टाइप इज कन्वर्ट इनटू अनदर डाटा टाइप बाय द ऑटोमेटिकली थ्रो कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर इंटरवेंशन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डाटा टाइप। मतलब जब एक डाटा टाइप दूसरे डाटा टाइप में ऑटोमेटिकली मतलब बाय कंपाइलर ही चेंज हो जाता है, मतलब हमको उसको खुद से नहीं करना पड़ता, हम प्रोग्रामर लोग उसको खुद से नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ही खुद ही चेंज कर देता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप।
सो अब अगर हम इसका यहाँ पे एग्जांपल देखें तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो एक इंटीजर वैल्यू है, दूसरा है फ्लोट। तो इंटीजर बराबर 10 है और इंटीजर को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 3 और उसको हम फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, फिर फ्लोट को अपने हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इंटीजर का जो साइज होता है वो क्या होता है, 2 बाइट होता है, और फ्लोट का जो साइज होता है वो होता है हमारा 4 बाइट। तो मान लो एक 2 लीटर वाला पानी का डिब्बा है और एक 4 लीटर वाला पानी डिब्बा है, तो 2 लीटर वाले पानी के डिब्बे को हम 4 लीटर वाले में रख सकते हैं आराम से, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाला। मतलब क्या है कि ये सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। मतलब जो हम छोटे डाटा टाइप से अगर बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दूसरा है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर, मतलब यूजर, बाय पोजिंग ऑफ स्पेसिफिक डाटा टाइप एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन। मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन होता है वो प्रोग्रामर या फिर यूजर जिसने प्रोग्राम लिखा है वो खुद परफॉर्म करता है, ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं कर देता है। जो इम्प्लिसिट वाला था इसको सिस्टम ऑटोमेटिकली कर दे रहा था, पर इसको सिस्टम नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, इसको प्रोग्रामर को खुद से करना पड़ेगा। तो इसका हम अब हम इसका एग्जाम्पल को देखते हैं एक्सप्लिसिट डाटा टाइप का। तो एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले इंक्लूड कोनियो स्टूडियो वाइडमैन कर्ली ब्रेस ओपन इतना लिख लिया। उसके बाद क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे जब हमने 10 / 3 किया था तो आंसर जो हमारा यहाँ पे आया था वो था 3.00 आया था, मतलब जो डेसिमल के पॉइंट के बाद के जो चीज थी वो यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि जो 3.3333 ऐसे आता है ना 10 / 3 करे तो वो हमारी नहीं स्टोर हुई थी। लेकिन आपको मान लो उसको भी स्टोर कराना है तो उसका तरीका यहाँ पे मेंशन है। देखते हैं इंटीजर ए लिया, फ्लोट बी लिया है, ए में क्या है 10 रखा है, अब बी में हम 8/3 को स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन अब हम इसे डायरेक्टली अगर करेंगे तो ये एज ए फॉर्म ऑफ इंटीजर ही स्टोर होगा। जो हमारा बी यहाँ पे था ये क्या था, ये इंटीजर, ये फ्लोट थोड़ी ना है, क्योंकि डॉट के बाद तो हमारा 0 0 ही लगा हुआ है सिर्फ। तो अगर हमें इसको फ्लोट बनाना है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको हम यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे, तो ये जो हमारा था यहाँ पे ये हमारा फ्लोट में कन्वर्ट होकर के बी में स्टोर हो जाएगा। फिर जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा 3.33 आएगा, मतलब एक फ्लोट वैल्यू आएगी आंसर। यहाँ पे एक प्रोग्राम अपना देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट y इजिकल टू √x या y इक्वल टू √x। मतलब हमें क्या करना है, कोई भी नंबर x होगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है और फिर उसको y में स्टोर करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये देखो जो हमारा sqrt फंक्शन होता है ये क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ये math.h में होता है, मतलब math.h एक हेडर फाइल होता है उसमें ये फंक्शन हमारा बिलोंग करता है। तो हम इस बार स्टूडियो और कोनियो के साथ math.h को भी कर लेंगे। उसके बाद वाइड में और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, फिर हमने क्या किया, हमें यहाँ पे देखो x भी चाहिए y भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए, अपने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया हमने। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, जो हम जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए होगा, तो या तो तुम उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दो प्रोग्राम में, या तो इसको यूजर के द्वारा इनपुट ले लो। यूजर के द्वारा इनपुट लेने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए y इक्वल टू sqrt(x) लिख देंगे, इससे हमारा x का स्क्वायर रूट निकल आएगा। फिर हम प्रिंट कर देंगे अपने y को और गेट सीएस कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इससे हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट का फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम देखते हैं, वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब कोई एक सर्कल होगा उसका हमको एरिया निकालना है और सर्कमफेरेंस निकालना है। तो एरिया का सबसे पहले क्या जानना होगा, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई और आर। तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों फार्मूला में एक वेरिएबल पार्ट है हमारा, जो कि क्या है, रेडियस आर। तो हमें रेडियस को चाहिए होगा, और रेडियस को चाहिए होगा तो हम इसको चाहे तो यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं या फिर हम खुद से अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं इसको। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हेज इंक्लूड स्टूडियो और कोनियो की वाइड में कर्ली ब्रेसेस ओपन। जो हमारा पाई होता है ये होता है 3.14, मतलब फ्लोट। तो जब हम एरिया और सर्कमफेरेंस अपना कैलकुलेट करेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए हमें 2 वेरिएबल बनाने होंगे जिसमें हम इसके वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो एक एरिया नाम से बना देंगे और दूसरा हम क्या बना देंगे, सर्कमफेरेंस बना देंगे। उसके बाद जो हमारा रेडियस है वो हमारा क्या हो सकता है, वो या तो 3 हो सकता है, जैसे 3.5 भी तो हो सकता है, मतलब क्या है कि रेडियस हमारा फ्लोट होता है या फिर इंटीजर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने पास 3 वेरिएबल बना लेंगे, एक आर मतलब रेडियस, दूसरा एरिया और तीसरा सर्कमफेरेंस, और तीनों को हम फ्लोट टाइप का बना रहे हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या किया, हमें रेडियस के वैल्यू को यूजर के द्वारा इनपुट लिया, फिर यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिख देंगे, जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी उसका हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू लिखा इंटू आर, मतलब
बार स्क्वायर, उसके बाद सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 लिखा है, इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर लिखा, तो इससे हमारा सर्कमफेरेंस कैलकुलेट हो गया। फिर हमने क्या किया, एरिया और सर्कमफेरेंस को अपने प्रिंट करवा लिया, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे शो कर लिया। तो यहाँ पे परसेंट है, परसेंट इसका फॉर्मेट इस फाइल लगाएंगे और यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो CLR SCR भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा आउटपुट स्क्रीन पे पहले से कुछ लिखा हो तो वो मिट जाए। अब हमारा एक अगला प्रोग्राम है, वो क्या है, देखो, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड फाइंड टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। मतलब क्या करना है कि हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क को इनपुट लेना है और उसके बाद उसका हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है और परसेंटेज को शो करना है। तो जब 5 सब्जेक्ट के मार्क को इनपुट लेना है तो जाहिर सी बात है कि उसको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हमें 5 वेरिएबल बनाने होंगे। तो हमने यहाँ पे A B C D E 5 वेरिएबल बना दिया। उसके बाद जब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें परसेंटेज का फार्मूला पता होना चाहिए। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि जो सम ऑफ मार्क होता है डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज मिल जाएगा। तो जो सम हमारा यहाँ पे हुआ है इसको भी रखने के लिए हमें एक वेरिएबल बना लेते हैं। देन हमारा जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज हमेशा थोड़ी ना होता है, कैसे आता है 80 90, वो तो हमारा फ्लोटिंग में आ सकता है, जैसे 18.3 19.5 इस तरीके से भी आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने परसेंटेज वाले वेरिएबल को फ्लोट बना लेंगे। फिर हमने इन 5 वैल्यूज को इनपुट ले लिया, इसका फॉर्म ये सब इंटीजर है इसलिए यहाँ पे परसेंट डी लगा हुआ है और इन सबको हमने इनपुट ले लिया। फिर हम सब सम कैलकुलेट करेंगे, सम कैलकुलेट करने के लिए सबके बीच में प्लस प्लस एडिशन ऑपरेटर लगाया और ये सब क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सम डिवाइड बाई 5 जो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था, और हम इसको क्या कर रहे हैं, फ्लोट में स्टोर करना चाहते हैं। अगर हम इसको इंटीजर में करेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या दिक्कत आएगी, तो हम इसके डेसिमल के बाद वाले भी जो डिजिट्स हैं उसको हम रखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट कर दिया। ये क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। उसके बाद हमने यहाँ पे परसेंटेज को अपने प्रिंट करवा लिया जिससे कि वो आउटपुट स्क्रीन पे विजिबल हो जाए और गेट CS कर्ली ब्रेसेस क्लोज। एक हमारे पास आता है एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्या काम करता है, टू गेट द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। मतलब कोई अगर वेरिएबल है तो उसको हमको, अगर उसका हमें एड्रेस चाहिए कि वो मेमोरी में किस जगह पे स्टोर है उसी को क्या बोलते हैं, एड्रेस। तो एड्रेस अगर हमें उसका चाहिए तो उसके लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है, एक इंटीजर है वेरिएबल हमारा a, अगर हमें इसका एड्रेस को प्रिंट कराना है तो सिंपली क्या लिख देंगे, परसेंट d और एड्रेस ऑफ a, इससे हमारा इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। मान लेते हैं इसे कि इसका एड्रेस मान लो 100 है तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, टू गेट द साइज ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। मतलब कोई वेरिएबल बनाते हैं, हमें चाहिए कि इसका साइज कितना है, साइज इसमें होगा इसमें बाइट में होगा, तो हमें चाहिए कि ये कितने बाइट का है या इसका साइज कितना है, तो उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंक्लूड स्टूडियो कोनियो वाइडमैन कर्ली ब्रेसेस ऑपरेटर। अब मान लो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक है कैरेक्टर और दूसरा है इंटीजर टाइप का। कैरेक्टर वाले का नाम ए है, इंटीजर का नाम बी है। अब हम इसका करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो साइज हमारा आएगा वो क्या होगा, वो बाइट होगा। बाइट मतलब क्या आता है, जैसे 1 byte 2 byte 4 byte, ये क्या है, इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे हमने परसेंट डी लगाया है। और साइज ऑफ के बाद फिर हम ब्रैकेट में उसको लिख देंगे ए, तो ए का साइज बता देगा। फिर स्पीड लिख देंगे यहाँ पे तो बी का साइज बता देगा। इसको हमने प्रिंट करा दिया है, तो देखो ए हमारा क्या था, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का साइज आएगा हमारा 1 byte, बी था हमारा इंटीजर तो इंटीजर का साइज आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट स्काई वैल्यूज ऑफ एड्रेस ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका क्या करना है, जो भी उसमें स्टोर होगा उसका हमें स्काई वैल्यू प्रिंट करना है। स्काई वैल्यू क्या होता है ये हम पहले ही पढ़ते। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका प्रोग्राम अगर हमें बनाना है, सबसे पहले इंक्लूड स्टूडियो कोनियो वाइडमैन कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब मान लो एक कैरेक्टर ए है जिसमें क्या स्टोर है, कैपिटल बी स्टोर है, तो अगर हमें इसका स्काई वैल्यू प्रिंट करवाना है सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसका एड्रेस प्रिंट करवाया है। अगर हम यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट करवाएंगे तो जो भी एड्रेस होगा वो आ जाएगा प्रिंट। अगर हम चाहें इसको सिंपली इसको प्रिंट करवाना कि ए में क्या स्टोर है, तो उसको हम इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर है ए, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला सी लगाया है। अब फिर इसका हमें अगर स्काई वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ परसेंट सी ना लगा के, स्काई वैल्यू क्या होता है देखो 97 98 इस तरीके से होता है, ये इंटीजर होता है, तो हमें स्काई वैल्यू चाहिए इसलिए जो कि इंटीजर होता है, इसलिए हम यहाँ पे परसेंट डी लगा के अगर यहाँ पे ए प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारा उसका स्काई वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट हर साल एक्टिविटी में लगभग पूछा जाता है, तो वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ईच ऑपरेटर
ऑपरेटर है प्रायोरिटी, मतलब क्या है कि सभी ऑपरेटर जो होते हैं उनकी कुछ प्रायोरिटी होती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर हैव कंप्यूटेड बिफोर लोअर प्रायोरिटी, मतलब जो हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा लोअर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर से। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब जो हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा लोअर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर से, इसी को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी और डिवाइड बाई डी। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है और सी की हमारे पास यहाँ पे 4 है और डी की वैल्यू 2 है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी का ऑर्डर देखें अपने, तो हमारे डिवाइड होता है ये बराबर होता है इंटू के, और ये दोनों ग्रेटर होते हैं प्लस और ये बराबर होता है माइनस के। ठीक है, मतलब डिवाइड और ग्रेटर देन ये दोनों हमारे प्लस और माइनस से पहले एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, हम अगर मान लो राइट साइड से चलते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, सी और डी वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे 4 था, ये डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद इंटू लगा है तो बी से इसका इंटू करवा देंगे। फिर क्या करना है, एडिशन करना है तो एडिशन कर दिए हम, और एट लास्ट हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है एसोसिएटिविटी। ये क्या होता है कि इफ ऑपरेटर है सेम प्रायोरिटी, मींस आल प्लस और आल माइनस और आल इंटू और आल डिवाइड, देन आइदर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। मतलब अगर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर आ जाए 2 या 2 से ज्यादा कि जिसकी प्रायोरिटी क्या हो, सेम हो, तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर आ जाते हैं तो हमारे पास उस टाइम पे 2 चॉइस होती है, या तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, ठीक है, या तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करें। जैसे कि अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, राइट टू लेफ्ट मूव किया है, क्योंकि यहाँ पे इंटू और डिवाइड दोनों का सेम प्रायोरिटी था। तो जो एसोसिएटिविटी ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव दो टाइप का होता है। तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी क्या होती है कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड लेफ्ट, मतलब जब हम लेफ्ट से टू राइट जाएं उसको लेफ्ट एसोसिएटिविटी कहते हैं। इसका एक डायग्राम आप लोग बना देंगे एग्जाम में। क्या है, सबसे पहले देखो क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब सबसे पहले ए आया, फिर उसके बाद प्लस लगा, बी हुआ, फिर माइनस लगा, फिर सी हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी। और दूसरा राइट एसोसिएटिविटी क्या है, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज कॉल्ड राइट एसोसिएटिविटी। तो जो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं, राइट में क्या है, सबसे पहले सी हुआ, फिर बी में से सी माइनस हुआ, ए में जो इसका आंसर था वो एड हुआ, तो उसको बोलते हैं राइट एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो क्या है, राइट अ प्रोग्राम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब क्या करना है कि हमें 2 नंबर को स्वैप करना है। स्वैप मान लो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा ए इक्वल टू था 5 और बी इक्वल टू था 10, तो जब हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू इसमें चला जाए और इसका वैल्यू इसमें चला जाए। मतलब जब स्वैप कर देंगे तो ए इक्वल टू 10 हो जाएगा और बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसको बोलते हैं हमारा स्वैप। तो इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं, सोचते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास 2 कोई वेरिएबल होने चाहिए जिनमें हम कोई वैल्यू हो, तो वैल्यू को हम क्या करा लेंगे, इनपुट करा लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल, अगर थर्ड वेरिएबल नहीं बोला है तब भी आप इससे करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल सी भी ले लेंगे जिसके हेल्प से हम करेंगे। जैसे मान लो, समझते हैं इसको आसानी से, अगर तो मान लो हमारे पास 2 बाल्टी है, और अगर 2 बाल्टी है, अगर हमको इसका पानी जो है इसमें डालना है और इसका पानी इसमें डालना है, तो कैसे डालेंगे। जाहिर सी बात है कि हम एक तीसरी बाल्टी ले लेंगे और सबसे पहले इसका पानी क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, इसका वाला पानी इसमें डाल देंगे, और फिर जो यहाँ पे फिर ये खाली हो जाएगा तो इसका पानी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये स्वैप हो गया पानी। अब देखोगे अगर लास्ट में, तो जो इसका पानी स्टार्टिंग में था वो इसमें आ गया और जो इसका वाला था वो इसमें आ गया। सेम इसी तरीके से वेरिएबल का भी स्वैपिंग किया जाता है। सबसे पहले हमने ए और बी को इनपुट ले लिया, जो ए में डाटा था उसको सी में डाल दिया, फिर ए हमारा खाली हो गया तो ए जब खाली हो गया तो बी में उसका वाला डाल दिया डाटा, फिर बी हमारा खाली हो गया तो बी जब खाली हो गया तो जो ए का डाटा हमने सी में डाला था उसको हम बी में डाल देंगे। इससे हमारा ए का डाटा बी में चला गया और बी का डाटा सी में चला गया। अगर इसको आप प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा उल्टा ही आएगा, मतलब जो स्टार्टिंग में था उसका स्वैप हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या है कि राइट अ प्रोग्राम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब क्या है, इस बार हम सी यानी कि तीसरे बाल्टी का यूज नहीं कर सकते, उसमें हमें करना है। तो इसका हम कैसे ये करेंगे, सबसे पहले क्या किया, हमने 2 वेरिएबल बनाए, उसका हमने इनपुट ले लिया कि उसमें कितनी वैल्यूज हैं। अब हम इसके मदद से उसको इनपुट करेंगे, तो देखो कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम ए प्लस बी कर रहे हैं। मान लो ए इक्वल टू अगर 5 है और बी इक्वल टू अगर 10 है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन दो ए इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ए में हम डाल रहे हैं ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा 15, तो ए बराबर कितना हो गया हमारा 15। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, b इक्वल टू हम कर रहे हैं a माइनस, मतलब क्या है कि b इक्वल टू हम a माइनस बी। अब a हमारा कितना है 15, b बराबर यहाँ पे है 10, तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5, मतलब b हमारा कितना आ गया 5। अब फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे a इक्वल टू a माइनस बी कर रहे हैं, ये वाला लाइन। तो a इक्वल टू a कितना था हमारा 15 था, b हमारा यहाँ पे कितना हुआ 5 हुआ, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 10।
तो देखो स्टार्टिंग में हम a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 लेके चले थे, और एट लास्ट हमें a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5 बचा, मतलब वैल्यू स्वैप हो गई। यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट y, वेयर y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये हमारा y इक्वल टू इक्वेशन एक दिया हुआ है। तो अगर y को हमको निकालना है तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो क्या है, x है। अगर x हमें पता चल जाए तो हम y को निकाल लेंगे। तो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। इतना इतना लिखने के बाद देखो, अब हमें x और y को डिफाइन करना होगा, तो हम इसको इंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो क्या हो, क्या पता अगर ऐसा हो ये जो x हो वो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाए, या फिर ऐसा हो कि x इक्वल टू अगर 1000 आ जाए तो वो फिर इंटीजर इसको नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि इंटीजर हमारा 2 ही बाइट का साइज होता है, इसलिए ये नहीं संभाल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लॉन्ग इंट लेंगे। लॉन्ग इंट का साइज बड़ा होता है, तो अगर 1000 का हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा उसको संभाल ले जाएगा, मतलब उसको हैंडल कर ले जाएगा। तो लॉन्ग इंट हमने एक्स और वाई बनाया, उसके बाद एक्स को हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया, इस एक्सप्रेशन को जैसे था वैसा लिख दिया। बस जैसे यहाँ पे प्लस एक्स लिखा है, प्लस एक्स लिख दिया, फिर प्लस है, फिर टू इंटू इंटू हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, फिर प्लस 3x³ मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स मतलब x³। के बाद वाई को हमने प्रिंट करा लिया और यहाँ पे हमारा गेट सी एच आ गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इरर इन सी प्रोग्राम। तो हमारे सी प्रोग्राम में देखो कभी ना कभी कोई इरर आ जाता है। इरर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे मान लो कभी आपने कुछ चीजों का स्पेलिंग ही गलत कर दिया, जैसे प्रिंट अप ना लिख करके आप सिर्फ प्रिंट लिख दिया, या PRTF लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, तो वहां पे हमारा इरर आ जाएगा। या मान लो कि आपको कोई लॉजिक ही आपने नहीं सही लगाया, मान लो b इक्वल टू a डिवाइड बाई 10 था लेकिन आपने b इक्वल टू c डिवाइड बाई 10 कर दिया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सी प्रोग्राम में इरर्स हैं। सो अब इरर के बारे में पढ़ते हैं। तो इरर क्या होता है, इरर और द प्रॉब्लम और फॉल्ट इन द प्रोग्राम व्हिच मेक द बिहेवियर और प्रोग्राम एबनॉर्मल एंड ठीक है। ये क्या इरर क्या होते हैं, इरर कुछ प्रोग्राम के ऐसे बिहेवियर होते हैं, मतलब फॉल्ट होते हैं या गलतियां होती हैं प्रोग्राम में, जो कि उसके बिहेवियर को क्या करते हैं, एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल जैसा उसको चलना चाहिए वैसा नहीं चलने देती हैं, उसको अलग तरीके से चलाती हैं या फिर पूरा पूरा चलने ही नहीं देती हैं, उसको बोलते हैं इरर। एक्सपीरियंस डेवलपर कैन आल्सो मेक दिस फॉल्ट, मतलब कि जो हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं वो भी ऐसे फॉल्ट ऐसी गलतियां कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इरर आर आल्सो नोन एज द बग्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोग्रामिंग में जो इरर होती है उनको हम बग्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज बग्स इज आल्सो नोन एज डीबगिंग, मतलब अगर हम इस इरर को, ठीक है ये इरर आया इसको हम क्या बोलते हैं, बग, अगर इस बग को हमको हटाना है तो जो हम प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है डीबगिंग। दीज इरर आर डिटेक्टेड आइदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन, मतलब जब हम प्रोग्राम को अपने कंपाइल करते हैं तब या तो ये एरर डिटेक्ट हो जाते हैं, या फिर जब हम इसको रन करवाते हैं तब ये एरर डिटेक्ट हो जाते हैं। दस द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम और द सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अगर जब हम एरर को हटा देंगे अपनी प्रोग्राम में से तभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, यानी रन होगा। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एरर, मतलब एरर हमारे कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर आर आल्सो नोन एज कंपाइलेशन एरर। सिंटेक्स एरर को हम कंपाइलेशन एरर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कंपाइलेशन के टाइम पे ये हमारे अकर होते हैं, मतलब हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम कंपाइलेशन एरर भी कहते हैं। दूसरा आता है रन टाइम एरर। व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग एंड इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन इज द मेन कॉज ऑफ द रन टाइम एरर, मतलब क्या है कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और जो हमने ऑपरेशन दिया हो वो सक्सेसफुली ये परफॉर्म ना कर पाए तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। तीसरा है हमारा लिंकर एरर। लिंकर एरर आर मेनली जनरेटेड व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट क्रिएटेड। तो देखो हमने पढ़ा है कि लिंकर का काम क्या होता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है, तो अगर वो नहीं क्रिएट हुई है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, तो इस टाइम पे हमारा लिंकर एरर आता है। फोर्थ है हमारा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर इज एरर दैट लीड्स टू एन अनडिजायरेबल आउटपुट, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या होता है, जब हम कोई गलत लॉजिक लगा देते हैं, जैसे मान लो कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना था लेकिन हम परसेंटेज का फार्मूला ही नहीं जानते हैं, एरिया कैलकुलेट करना था लेकिन हम एरिया का फार्मूला ही गलत लगा रहे हैं, तो इससे हमारा जो सही रिजल्ट था वो नहीं आएगा और ये हमारा लॉजिकल एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या होता है, सिमेंटिक एरर आर द एरर दैट अकर्ड व्हेन द स्टेटमेंट आर नॉट अंडरस्टैंड बाय द कंपाइलर, मतलब अगर हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट मान लो हम इसे लिख देते हैं हेलो हाउ आर यू, तो इसको तो इसे डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा ना हमारा कंपाइलर, तो जब वो नहीं समझ पाता है तो वो प्रोड्यूस करता है सिमेंटिक एरर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कमेंट्स। अगर मान लो कुछ ब्लॉक को आप हमने कोड लिखा,
हमें बताना है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड किस लिए यूज किया गया है, मतलब इसका यूज क्या है, तो उसके लिए हम कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट जो होती हैं वो हम उसको बाद में पढ़ के उसको समझ सकते हैं कि ये किस लिए लिखा गया है या फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड का क्या यूज है, और ये कंपाइलर के द्वारा ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट मतलब क्या है कि मान लो हमने यहाँ पे कोई भी लाइन लिखा, हेलो हाउ आर यू लिखा, तो अगर हम इसके सामने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कमेंट बन जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लो हमने मल्टीपल लाइंस लिखी हुई है, ठीक है, हमने मल्टीपल लाइंस लिखी हुई है और हम चाहते हैं कि ये सब एक साथ कमेंट हो जाएं, तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और फिर जहां पे लाइन खत्म हो रहा है वहां पे एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश, तो इससे हमारा ये मल्टीपल लाइंस कमेंट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं और हमें उसका मीनिंग जानना है। क्या है, अगर हम स्लैश एन का यूज करते हैं तो उससे न्यू लाइन आती है, स्लैश टी का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि स्पेस जनरेट होता है। मान लो अगर हमने बीच में कहीं स्लैश टी यूज कर लिया तो इससे दो वेरिएबल के बीच में स्पेस आ जाएगा। उसके बाद स्लैश बी का क्या होता है कि बैक स्पेस होता है, स्लैश आर का मतलब क्या होता है कैरियर रिटर्न होता है, स्लैश ओ का मतलब क्या होता है कि नल कैरेक्टर होता है, मतलब कि जीरो मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पे अब अपना एक प्रोग्राम देखते हैं क्या है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। सो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर वो होता है जो कि जीरो से बड़ा होता है, और निगेटिव नंबर क्या होता है जो कि जीरो से छोटा होता है। मतलब अगर कोई नंबर जीरो से छोटा है तो वो निगेटिव होगा, और अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा है तो वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हमें वो नंबर चाहिए होगा तो उस नंबर को हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया ए और ए को हमने यूजर से इनपुट करवा लिया। हमें पॉजिटिव प्रिंट करवाना है या फिर निगेटिव प्रिंट करवाना है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये क्या है, वर्ड्स वर्ड है। वर्ड क्या होते हैं, वर्ड हमारे स्ट्रिंग होते हैं। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे परमिट स्पायर परसेंट एस यूज करेंगे, और यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। अगर ए हमारा जीरो से बड़ा होता है इस केस में क्या हुआ कि हमारा ये पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये जीरो से बड़ा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद गेट सी एस कर ली ब्रेसेस क्लोज। इसके साथ अब हमारा यूनिट टू का वन शॉट खत्म होता है। इसमें जो भी प्रोग्राम दिए हुए हैं उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रोग्राम ही लिखने आएगा, और प्रोग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू। सो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा मेनली चार टाइप्स का होता है। सबसे पहला है डिसीजन स्टेटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन स्टेटमेंट, फिर है आइटरेशन स्टेटमेंट, और चौथा है जंप स्टेटमेंट। तो डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, हमारा आता है इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स, और उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स। हमें ये तीन टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद फिर हमारा है सिलेक्शन में हमारा आता है स्विच स्टेटमेंट, हमें इसको भी पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक जो हमारे हैं ये दोनों हमारे यूनिट नंबर 2 के अंदर आते हैं। तो चलिए आगे इनको हम पढ़ते हैं। सो इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट हैज टेस्ट पर्टिकुलर कंडीशन एंड कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूटेड। तो इफ का मतलब क्या होता है, अगर। इफ मतलब क्या होता है, अगर। तो जो भी कंडीशन हम इफ के साथ लिख देंगे, जो भी हमारा यहाँ पे कंडीशन रहेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, मतलब क्या होती है, अगर वो कंडीशन सही होती है तो जो भी हम इसके बाद इस करली ब्रेसेस में इस ब्लॉक ऑफ कोड में लिखे रहेंगे वो चीज हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे ये फिर ये चीजें नहीं इम्प्लीमेंट होंगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर ए इक्वल टू मान लो कोई नंबर है 10, अगर हम इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन 5, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो कोई चीज, तो अगर ए हमारा 5 से बड़ा रहेगा, मतलब ये चीज क्या हो जाएगा, इसके अंदर का जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे जो भी हम इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखे होंगे वो चीज हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हैव टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड द कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट इफ अदरवाइज एग्जीक्यूट एल्स पार्ट। मतलब ये क्या होता है, इफ एल्स का मतलब क्या है कि इफ के बाद जो भी हम यहाँ पे कंडीशन लिखे रहेंगे, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो जो इफ के बाद हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखे रहेंगे वो चीज हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स आती है तो हम जो एल्स के अंदर लिखे रहेंगे, जैसे यहाँ पे देखो करली ब्रेसेस लगा के, वो चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या होता है कि जब इफ के अंदर इफ एल्स ऐसी चीजें हों तो उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। इसे देखो क्या है कि इफ एक कंडीशन लगा है, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन हुआ, मतलब क्या हुआ, अब हम इफ के अंदर चल रहे हैं, उसके बाद फिर से कंडीशन था, कंडीशन के अंदर फिर से हमने कंडीशन लगा दिया, उसके बाद हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है उसको हम अपना काम करवा रहे हैं, फिर सबसे अंदर वाला बंद हुआ, उसके बाद फिर बाहर वाला बंद हुआ। तो इसमें क्या हुआ, एक इफ के अंदर फिर दूसरा इफ है, मतलब क्या हुआ कि नेस्टेड इफ हो गया ये हमारा। अगर हम नेस्टेड एल्स इफ का स्टेटमेंट, तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा पॉइंटर आएगा, वो क्या करेगा, वो इसको चेक करेगा कि ये जहां पे जो
हमारी कंडीशन लिखी हुई वो ट्रू है कि नहीं। अगर वो ट्रू होगा इस इफ के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो फॉल्स होगा, तब फिर वो नीचे बढ़ेगा, तो फिर से वहां यहाँ पे उसको मिलेगा एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब क्या है कि फिर से यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये इसके अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नीचे बढ़ते हैं, अगर ये भी मान लो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये ऊपर वाला भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो फिर से वो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके अंदर जो लिखा है, नहीं तो फिर अगर मान लो ये तीनों में से कोई भी हमारा ट्रू नहीं होता है तो जो भी चीजें हमारी एल्स के अंदर लिखी होंगी वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जो नेस्टेड एल्स इफ होता है इसमें हमारा वो सभी, इसमें हम एक ही साथ कई सारे कंडीशन का यूज कर सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन का यूज कर सकते हैं और उसमें से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, एक बार में कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जितने कंडीशन लिखते हैं वो सारे एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसमें से एक बार में कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम इन सी, फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब हमें एक नंबर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं, जो भी नंबर हमारा अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर वो नंबर लेस देन है जीरो तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्लूड स्टूडियो, हेज इंक्लूड कोनियो, वाइड मेन, कर्ली ब्रेसेस, ओपन। उसके बाद अब हमें किसी नंबर को चेक करना है तो उस नंबर का हम वेरिएबल बना लेते हैं इंट। उसके बाद उसका वैल्यू लेने के लिए हम उसको स्कैनफ फंक्शन से यूजर के द्वारा इनपुट ले लेते हैं। देखो इसका प्रोग्राम हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन तब हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया था और इस बार हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। तो इस बार हम यूज कर रहे हैं इफ का। तो इफ लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो ए है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी जो भी हमारा नंबर है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए क्या कि नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि नंबर हमारा पॉजिटिव है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब यहाँ से ये ट्रू नहीं आता है, अगर ये ट्रू आएगा तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो ये हमारा फॉल्स आता है, तो अगर फॉल्स आएगा तो जो भी चीजें हम एल्स वाले स्टेटमेंट में लिखे रहेंगे वो चीज हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब अगर ए हमारा जीरो से बड़ा रहेगा तो प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर हमारा जीरो से छोटा रहेगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव। अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी, इनपुट 5 इंटीजर नंबर एंड कैलकुलेट एवरेज। मतलब क्या करना है कि हमें 5 इंटीजर नंबर को, इंटीजर नंबर है उसको इंटर करना है और उसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब क्या होता है कि सभी नंबर का सम करो और डिवाइड बाई जितने नंबर हो उससे कर दो। अगर 5 नंबर है तो सभी 5 नंबर का सम होगा और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ कंडीशन दी हुई, क्या लिखा है, एवरेज इज बिटवीन 18 to 100 देन प्रिंट एक्सीलेंट, और फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एवरेज इज बिटवीन 50 to 80 देन प्रिंट वेरी गुड, और थर्ड है कि अगर 30 to 50 होता है तो गुड प्रिंट हो। मतलब हमें सबसे पहले 5 इंटीजर नंबर को इनपुट लेना है, उसके बाद इनका हमको एवरेज निकालना है, उसके बाद फिर एवरेज पे हमको यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक करना है कि अगर एवरेज हमारा मान लो 18 to 100 के बीच में है, कि एवरेज हमारा 50 to 18 के बीच में है, कि एवरेज हमारा 30 to 50 के बीच में है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसका फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे कि ये हमारा वेरी गुड है, एक्सीलेंट है या फिर गुड है। तो इसके प्रोग्राम को देखते हैं। तो देखो, हेज इंक्लूड स्टूडियो, हेज इंक्लूड कोनियो, वाइड मेन, कर्ली ब्रेसेस, ओपन। उसके बाद हमें 5 नंबर को इनपुट लेना है, तो हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल बना लिए, ए बी सी डी ई। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लॉट एक्स बनाया है जिसमें हम उसका एवरेज को कैलकुलेट करके रखेंगे। उसके बाद हमने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर लिया। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ पे 5 वैल्यूज को इनपुट लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम एवरेज का फार्मूला लगा के, यानी सभी नंबर को सम करके डिवाइड बाई 5 करके हमने उसका एवरेज को कैलकुलेट कर लिया। और हम चाहें तो एवरेज को अपने हम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो एवरेज हमारा एक फ्लोट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हमने परसेंट एफ लगाया हुआ है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे ऊपर कंडीशन दी हुई, क्या दिया था कि अगर एवरेज क्या है 18 to 100 के बीच में है तो हमारा प्रिंट हो एक्सीलेंट। तो देखो, अब हम कंडीशन लगाने के लिए कैसे चेक करते हैं, इफ से चेक करते हैं। तो इफ, अब एवरेज हमका हमारा यहाँ पे नाम क्या है, एक्स। इफ एवरेज यानी एक्स अगर ग्रेटर देन 80, यहाँ पे लॉजिकल एंड लगाए। लॉजिकल एंड मतलब क्या है कि जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो तभी ये पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, और जब ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी इसके अंदर वाला जो भी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास यहाँ थोड़ी ना बोला है कि सिर्फ 80 से बड़ा हो या सिर्फ 100 से कम हो, हमारे पास दोनों बोला है कि 80 से बड़ा भी हो और 100 से छोटा भी हो। तो हमने यहाँ पे वही चीज लिखा है कि 80 से बड़ा हो और, एंड मतलब और, 100 से हमारा छोटा हो, इससे इक्वल हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलेंट प्रिंट हो जाए। उसके बाद फिर हमारे पास और कंडीशन है। तो अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है और उसमें से हम चाहते हैं कि कोई एक ही एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्स इफ का यूज किया है। उसके बाद हमने लिखा है, दूसरा हमारा कंडीशन क्या था कि 50 to 80 के बीच में हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर 50 से बड़ा हो नंबर
और हमारा 80 से अगर छोटा या उसके बराबर होता है तो हमारा यहाँ पे वेरी गुड प्रिंट होगा। उसके बाद फिर हमारा एक और कंडीशन दिया था, क्या था कि अगर 30 टू 50 के बीच में हो, मतलब अगर एवरेज यानी एक्स हमारा 30 से बड़ा है और अगर एक्स हमारा 50 से छोटा या उसके बराबर है तो फिर यहाँ पे हमारे क्या प्रिंट हो, सिर्फ गुड प्रिंट हो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ गुड प्रिंट करवा लिया। उसके बाद मान लो कि जो भी हमारे यहाँ पे तीनों कंडीशन है वो तीनों अगर ट्रू नहीं होती है तो फिर हमारा क्या प्रिंट हो, तो उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे एल्स। एल्स वाला कब एग्जीक्यूट होता है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है इफ वाली, तो हमारा एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया नॉट गुड, यहाँ पे हमारा नॉट गुड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है, क्या है कि फाइंड द बिगर वैल्यू बिटवीन थ्री नंबर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कोई तीन नंबर दिया होगा, मान लो ए बी सी कोई तीन नंबर है और हमें फाइंड करना है कि इसमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा है। तो देखो अगर मान लो कोई नंबर अगर सबसे बड़ा होना है उसको, तो क्या होगा, अगर मान लो सबसे बड़ा ए है तो ए हमारा बी से भी बड़ा होगा और ए हमारा सी से भी बड़ा होगा, तभी हम ए को सबसे बड़ा कहेंगे। या फिर अगर हम बी के लिए देखें तो बी हमारा ए से भी बड़ा होगा और बी हमारा सी से भी बड़ा होगा, तब बी हमारा सबसे बड़ा होगा। तो यही हमारा कंडीशन है, इसको हम चेक करेंगे और अपना आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हेज इंक्लूड स्टूडियो कोनियो वाइड मेट कर्ली ब्रेसेस ओपन। उसके बाद हमें तीन इंटीजर में चेक करना है, तो हमने तीन इंटीजर का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद तीनों को हमने क्या कर लिया, इनपुट कर लिया। फिर उसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। इफ अगर मान लो कि हम चेक करें कि ए बड़ा है कि नहीं, तो अगर ए हमारा बी से भी बड़ा है और ए हमारा सी से भी बड़ा है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा क्या कि बिगर वैल्यू इज ए। मतलब हमारा यहाँ जब ए हमारा बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए हमारा कि ए सबसे बड़ा है। इसको प्रिंट हमने कैसे करवाया, सबसे पहले देखो डबल कोट्स में हमने लिख दिया है बिगर वैल्यू, तो जो भी चीज हम डबल कोट्स में अगर कुछ चीज लिख देते हैं तो वो वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने इक्वल टू लगा है तो ये भी वैसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने परसेंट डी दिया है, तो इस परसेंट डी की जगह पे हम जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखे रहेंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये ए हमारा इंटीजर था इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट डी लगाया हुआ है। उसके बाद अब मान लो कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसके हमें बी के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा। तो हमने बी के लिए चेक करने के लिए हमने एलसीफ लिखा। एलसीफ क्या लिखा कि अगर बी ग्रेटर देन ए है और अगर बी ग्रेटर देन सी है, अगर बी हमारा दोनों से बड़ा है तो फिर बिगर वैल्यू क्या होगी, हमारी बी होगी। तो हमारे ने यहाँ पे बी प्रिंट कर दिया। अब मान लो ना ये ट्रू होता है ना ये ट्रू होता है, मतलब ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, तो फिर हमारा कौन बड़ा होगा, हमारा सी बड़ा होगा। तो सी बड़ा होने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सीधे ही अपने सी को प्रिंट कर दिया कि बिगर वैल्यू हमारी सी ही होगी। अगर ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि एल्स एग्जीक्यूट होगा और हमारी बिगर वैल्यू सी आ जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच केस एक स्टेटमेंट क्या होता है कि देयर आर चॉइसेस एज व्हिच कोड टू बी एग्जीक्यूट डिपेंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एक्सप्रेशन। मतलब हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस होती है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या होते हैं केसेस, मल्टीपल केसेस होते हैं और ये केसेस एग्जीक्यूट तब होंगे, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये हमारे डिपेंड करते हैं एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे कि ये कौन सा केस हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटेक्स को देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच और यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे केसेस एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं केस वन केस टू एंड डिफॉल्ट केस, और अगर ए का वैल्यू वन होगा तो जो भी केस वन के अंदर लिखा होगा चीजें वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ए का वैल्यू दो होगा तो जो भी केस टू के अंदर चीजें लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और मान लो ए का वैल्यू अगर कुछ और होता है, मान लो ऐसे ए का वैल्यू 100 हो जाता है, तो जो भी हमारा डिफॉल्ट के अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इफ एल्स की तरह ही थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन बस सिंटेक्स इसका अलग है। और यहाँ पे हम हर स्टेटमेंट हर केस के बाद यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जरूर लगाएंगे, नहीं तो ये सारा हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफॉल्ट के बाद हम ब्रेक नहीं लगाते हैं। अब इसके प्रोग्राम को अगर देखते हैं, सो देखो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि अगर क्या है कि अगर ए की वैल्यू अगर हमारी 2 होती है तो वहाँ पे हेलो प्रिंट हो, अगर ए की वैल्यू 12 हो तो यहाँ पे मोहन प्रिंट हो, और अगर ए की वैल्यू कुछ और हो तो यहाँ पे एक्स वाई जेड प्रिंट हो। तो इसी को हम स्विच केस से यहाँ पे हमने प्रोग्राम को बनाया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमने जिस जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया और उसको हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद यहाँ स्विच के लिए हम स्विच लिखते हैं और यहाँ पे ए कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर 2 हो तो हेलो प्रिंट हो, तो हमने यहाँ पे केस 2 लिखा। जो भी यहाँ वैल्यू ए की हो आएगी उसी की तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ठीक है। अगर हमने केस 2 लिखा है इसका मतलब क्या है कि जब ए की वैल्यू 2 हो तो ये हमारा प्रिंट हेलो करेगा और यहाँ पे फिर ब्रेक। अगर ए की वैल्यू हमारी 12 हो तो फिर यहाँ पे प्रिंट होगा मोहन और फिर ब्रेक। अगर मान लो ए की वैल्यू इसके अलावा कुछ और आती है तो हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड प्रिंट हो। उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे, जो भी हमारा स्विच का कर्ली ब्रेसेस था गेट सी एच और कर्ली ब्रेसेस बंद।